यानी मकसद आप किस तौर पर तय करते हैं ये कहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि हमने ऑब्जेक्टिव किस तरह से तय करने हैं आर द पर्सन ऑफ द स्कूल और आर रनिंग द स्कूल और एनी ग्रुप विच इज इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो कौन लोग हैं जो इन ऑब्जेक्टिव के बेसिक मालिकान होते हैं या वो इन ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं हमें ये सवाल जरूर करना चाहिए ऑब्जेक्टिव तय करने वाले लोग कौन हैं टिक वे टू आइडेंटीफाईव किस तरीके से और कौन से मराहल से गुजरकर इन ऑबजेक्टिव तय किया जाता है ये वो सवाल हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ करिकलम डेवेलपमेंट हमें जरूर पूछना चाहिए और खास तौर पर जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से मुतलिक हों और वो एलिमेंट्री लेवल पर हो तो हमारे लिए ये जानना नहाय ही जरूरी है कि ये ऑब्जेक्टिव कौन तय करता है किस तरह से तय किए जाते हैं क्या ये किसी एक शख्स की बुनियादी हैसियत है कि वो इनको तय कर सकता है या ये मलिकीत ही एक ग्रुप या शख्स की है और स्कूल के लोगों की है और अगर हमने इनको तय करना है तो वो कौन कौन से मराहल से गुजर के हम इनको तय कर सकते हैं एक चीज तय है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए और आप किसी भी बड़े स्कूल में चले जाएं या छोटे स्कूल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये एक मैटर ऑफ चॉइस है यानी कोई भी स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम अपनी मर्जी के ऑब्जेक्टिव्स तय कर सकता है लिहाजा ये किसी भी ग्रुप की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और किसी भी फर्द की अपनी पसंद नापसंद है जिसके बिना पर इन मकासद को तय किया जाता है सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसा डिसीजन करते हुए कुछ वैल्यू जजमेंट्स करें और उन वैल्यू जजमेंट्स की बुनियाद पर किसी भी स्कूल के लिए ऑब्जेक्टिव्स को तय कर लिया जाए सो so, पहली ज़रूरत क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसकी बिना पर हम वैल्यू जजमेंट बनाते हैं यानी हम ये तय करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है और किस किस्म के ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है और हमारा बेसिक मकसद क्या है इन्हीं मकासद के बिना पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय कर लेते हैं ये वैल्यू जजमेंट्स कैसे बनाई जा सकती हैं? आप ये सवाल कर सकते हैं कि किस बेसिस पर किस पर और किस अथॉरिटी के साथ कोई भी शख्स किसी भी चीज के बारे में जो स्कूल के करिकुलम में डालना चाहता हो या क्लासरूम में पढ़ाना चाहता हो या एक्टिविटीज बच्चों को देना चाहता हो और किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करवाना चाहता हो बिसाइड्स इवेल्यूएशन का अमल किस तरह से होगा तो हमें वैल्यू जजमेंट किस बिना पर करनी चाहिए यानी कौन कौन सी एक्सपर्टीज हैं जो हमें पता हो और किस किस्म की इंफॉर्मेशन हो जिसके बिना पर वैल्यू जजमेंट की जा सकती है सबसे अहम चीज किसी भी प्रोसेस में और खास तौर तो पर एजुकेशन में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हमारी फिलोसफी और ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है यानी हम किस फलसफा की बुनियाद पर पढ़ाना चाहते हैं क्या ये एक सही है कि हर शख्स का और हर बच्चे का हक है कि बुनियादी तालीम हासिल करे अब यह बुनियादी तालीम किस तरह से दी जाएगी और किस फलसफा के बुनियाद पर दी जाएगी और कौन से नफसियाती असूलों के मुताबिक दी जाएगी इसके बारे में जानना निहायत ही जरूरी है लिहाजा पहली चीज जो किसी भी शख्स को जो करिकुलम से रिलेटेड हो यह जानना जरूरी है कि आप किस फलोसफी पर तालीम देना चाहते हैं बिसाइड्स फिलोसफी हमें कुछ नॉलेज और इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि उसको बेस बनाकर हम फिलोसफी को इस्तेमाल कर सकें यानी फलसफा आपको हर हरगिज़ टॉपिक नहीं बताएगा आपको मजामीन नहीं बताएगा और ना ही उसने आपको एक्टिविटीज़ ही बतानी है लिहाजा वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इज़ कि जब आप फिलोसफी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास वो तमाम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए किसी भी सोसाइटी के बारे में या मुआशरे के बारे में जहां के स्कूल के लिए आप करिकुलम बनाना चाहते हैं सो वंस वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट वॉट इज द फिलोसफी वी वॉन्ट टू फॉलो फॉर एनी स्कूल और एजुकेशनल प्रोग्राम सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नॉलेज सम वन नीड्स टू हैव एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया अबाउट द पीपल एंड द चिल्ड्रन

ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के बारे में हमारे पास मुकम्मल तौर पर जानकारी नहीं है कि ये किस किस्म का नॉलेज चाहते हैं और इनकी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ के बारे में क्या है क्या ये किसी डेफिशेंसी के शिकार हैं या इन्होंने कभी स्कूल ही नहीं देखा या कभी इन्हें मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का और अगर स्कूल जाने का मौका मिला है तो पहले से ये लोग तो क्या पढ़ते हैं सो so, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करें जो हमें ये मदद करेगी कि हमारे बच्चों का जिनके बारे में हम करिकुलम बनाना चाहते हैं किस किस्म की मालूम का जानना ज़रूरी है इन तमाम मालूम की बुनियाद पर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को तय कर लिया जाता है जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें यह जानना नहायत ही जरूरी है कि रिसर्च हमें हेल्प करती है कि के किसी भी स्ट्रेटा को और किसी भी सोसाइटी में किसी एक स्टेटा को या तमाम बच्चों की जनरल जरूरियात क्या है यानी कौन सी ऐसी कमी है जो जनरली तमाम बच्चों में है और कौन सी ऐसी कमी है जो स्पेसिफिकली उन बच्चों में पाई जाती है जिनको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है लिहाजा एजुकेशनल फिलासफी के साथ साथ किस तरह से आप तालीम देना चाहते हैं किस किस्म का नॉलेज और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ये हमें इन्वेस्टिगेशन ही से मिलेगा जो सिस्टमेटिक भी हो सकती है और इसको हम रिसर्च बेस्ड भी कर सकते हैं जिसके मनात पर हम ये तय कर लेते हैं कि हमें किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स की तालीम देनी है और उन ऑब्जेक्टिव्स के जरिए हम किस तरह से कॉन्टेंट नॉलेज स्किल्स और हम रवैयों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी लाइन पर बच्चों की एजुकेशन कर सकते हैं हमने एक चीज तय कर ली कि हमें फिलॉसफी चाहिए हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए और ये तमाम चीजें हमें हेल्प करेंगी कि हम अपने प्रोग्राम के लिए या स्कूल के लिए करिकुलम के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को तय कर लें अगला निहायत ही अहम सवाल ये है कि हम ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल करना चाहते हैं यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है क्या ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ बच्चे होंगे या इन बच्चों के वालदे भी हो सकते हैं या एग्जिस्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है यानी हम किस किस तरीके से इस मालूम को इकट्ठा करना चाहते हैं और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए जब हम ऑब्जेक्टिव्स को तय करने की कोशिश करते हैं या इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं कि हमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स अपने करिकुलम के लिए बनाने चाहिए या स्कूल के लिए तय करने चाहिए अगर हम लिटरेचर को उठाकर पढ़ें और आप अगर आप अपने शुरू के कुछ इस्बाक पे नजर डालें तो हमने शुरू में बात की थी कि कुछ लोग हैं जो असेंशलिस्ट हैं और कुछ प्रोग्रेसिविस्ट हैं एज एजुकेशनिस्ट लिहाजा टीचिंग और लर्निंग के बारे में और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में हमें मालूम कहाँ से मिलती हैं हमें इन्हीं इस्काल से और एक्सपर्ट्स से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कुछ आइडियाज जो प्रोग्रेसिविस्ट ने दिए हुए हैं और कुछ असेंशलिस्ट ने दिए हुए हैं हम मालूम वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं यानी हमें कुछ डॉक्यूमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से इन लोगों ने टीचिंग और लर्निंग के बारे में तमाम बातें तय की हैं और हम किस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोग स्पेशलिस्ट हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों की नफसिया के मुताबिक तालीम देने का जिक्र करते हैं और कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टडी करने के बाद ये तय करते हैं कि बच्चों को किन लाइंस पर एजुकेट करना चाहिए और कुछ एजुकेशन फिलोसफर्स हैं जिन्होंने ये तय किया कि बच्चों की टीचिंग और लर्निंग के लिए और उनको एक कार शहरी बनाने के लिए किस तरह से तालीम देनी चाहिए लिहाजा ये वो तमाम सोर्सेज हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और हम ये तय कर सकते हैं कि किस किस्म का नॉलेज हमारे ऑब्जेक्टिव को तय करने में मददगार साबित होगा